तो फ्रेंड्स, आपने खरबूजा तो कई बार खाया होगा। आज मैं बहुत ही बढ़िया सी उसकी ड्रिंक लेके आई हूँ, मेलन शेक लेके आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। आपके बच्चे और आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत ही आसानी से बन जाता है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, एकदम ठंडा ठंडा जब आप पियेंगे ना, तो यकीन मानिए आपको एकदम तरोताज़ा कर देगा। सच में बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। तो आजकल भर भर कर मार्केट में क्या है कि जो ये मेलन है मिलने लगा है, तो आप ले आइए। दो तरह के मेलन मिलते हैं, तो आप कोई सा भी लेके आइए। अगर इसमें सबसे अच्छी बात ये है इस ड्रिंक को बनाने में कि अगर आपका मेलन उतना अच्छा, मतलब मीठा नहीं है, थोड़ा सा फीका भी है, तो भी ये शेक बना के आप टेस्टी टेस्टी पी सकते हैं खाने की वजह। तो यहाँ पे मैंने काट लिया है और इसको क्या कर लिया, इसके दाने को हटा लिया है। तो दोनों, मतलब जो भी मैंने दोनों को काट के लिया था, तो इनके दानों को साफ़ करके हमने अलग कर लिया है। उसके बाद से हम इनके पल्प को स्कूप आउट करेंगे। तो आप किसी स्कूपर या यहाँ पे मैंने स्पून से ही सारे पल्प को ले लिया है। ये दो, मतलब डेढ़ से दो कप के करीब मैंने यहाँ पे निकाल लिया है इसके पल्प को। उसके बाद से क्या करना है कि हमें ग्राइंडर जार में इसको डालना है और स्मूथ सा पेस्ट बना के तैयार करना है। बिना पानी ऐड किए बस 1 से 2 मिनट आप मिक्सर को चलाएंगे, तो ये अच्छी तरह स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसका स्मूथ सा पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। ऐसा बिल्कुल भी पानी का यूज मैंने नहीं किया है। इसके बाद से मैंने कढ़ाही ली है, उसमें 2 ग्लास के करीब यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है। गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और एक उबाल आने के बाद यहाँ पे मैंने ये साबूदाना लिया है, जिसको सागो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे वाले साबूदाना लिए हैं। आप चाहें तो जो मीडियम साइज़ के साबूदाना आते हैं वो भी ले सकते हैं। ये मैंने चिया सीड यहाँ पर लिया है और इसको मैंने 10 मिनट के लिए भिगो दिया है। ये अच्छी तरह से भीग जाएंगे और मीडियम आंच में ही इसको मैंने पकाया है। 10 से 15 मिनट में ये देखिए अच्छी तरह से हमारा साबूदाना बनके तैयार हो गया है। तो इसको क्या करेंगे, किसी भी स्ट्रेनर में ऐसे निकाल लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि आपस में चिपके नहीं, और बस इसको हम ऐसे थोड़ा सा पानी से अच्छे से धुल लेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं धुलना है, 1-2 बार पानी ऐड करेंगे और इसके बाद इसको साइड कर देंगे। यहाँ से मैंने फिर से कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 2 ग्लास के करीब दूध डाला है। थोड़ा सा कढ़ाई में पानी डाला था ताकि दूध चिपके नहीं, इसमें हम एक उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप उसकी रेसिपी मुझसे पूछ सकते हैं, उसके लिए आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसकी रेसिपी बना के बता दूंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है कस्टर्ड पाउडर, उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के अच्छे से लंग भी ऐसे घोल बना के तैयार कर लिया है। और आप इसके जगह, अगर आपके पास दूध ख़त्म हो गया, तो आप यहाँ पे पानी भी डाल के इसका घोल बना सकते हैं इजली। इसके बाद से क्या करना है, ऐसे दूध को स्टर करते हुए, इसमें एक उबाल आ गया है, उसके बाद से मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐसे ऐड कर दिया है। थोड़ी देर 10 मिनट पका लेंगे दूध को, अच्छी तरह थोड़ा गाढ़ा होने देंगे। उसके बाद से क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंने शुगर ली है, तो 1/2 कप मैंने चीनी ली है। मेलन बहुत ही मीठे थे इसलिए इससे ज़्यादा बिल्कुल भी शुगर की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट मीठा होगा अगर आप मेरी रेसिपी देखकर बनाएंगे, तो ना तो आपको फीका लगेगा और ना ही आपको ज़्यादा मीठा लगेगा। अगर आपका मेलन थोड़ा सा कम मीठा है तो आप 1 से 2 चम्मच चीनी ऐड कर सकते हैं। और कस्टर्ड पाउडर में वैनिला का जो भी फ्लेवर होता है वो है, इसलिए इसमें कोई भी इलायची पाउडर डालने का भी झंझट नहीं है। यहाँ पे ये अच्छी तरह से पक गए हैं, मैंने 2 मिनट ही पकाया था। उसके बाद रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, ठंडा हो गया। इसको एक बोल में मैंने निकाल लिया। उसके बाद से ये जो साबूदाना मैंने बना के तैयार किया था उसको भी इसी में हम ऐड कर लेंगे, अच्छी तरह से स्टर कर देंगे। ये देखिए, बस थोड़ा सा स्टर करेंगे तो ये सारा साबूदाना अलग अलग हो जाएगा। इसके बाद से हमने जो ये चिया सीड भिगो के रखा था उसको भी इसी में डाल लेंगे। गर्मियों में बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ठंडक देता है, तो इसको ज़रूर ऐड करें। कहीं भी शॉप, मतलब जो आपके पास में शॉप होगी वहाँ से ये मिल जाएंगे इजली, या तो मार्केट डी मार्ट वगैरह से भी मिल जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पिस्ता लिया है, उसको मैंने काट लिया बारीक, उसको डाला है। थोड़ा सा मैंने
बादाम का फ्लेक्स डाला है और थोड़ा सा रोज़ पेटल ड्राई वाले डाले हैं। इसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। ये देखिए 1 घंटे हो गए हैं, हमारा ये जो मेलन शेक है अच्छी तरह से बन के ठंडा ठंडा सा तैयार हुआ है। उसके बाद से चलिए हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो मैंने ग्लास में थोड़े से बर्फ़ डाले हैं, 1 आइस क्यूब डाला है यहाँ पे। इसके बाद से थोड़ा सा चिया सीड, उसके बाद से थोड़े से कटे हुए मेलन डाले हैं मैंने, मस्क मेलन, और ठंडा ठंडा सा ये एकदम रिफ्रेशिंग वाला मैंने अपना ये शेक डाला है। एक बार बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ईजली बन जाती है। और अगर थोड़ी भी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, उससे मैं मोटिवेट होंगी और आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपी लेकर ज़रूर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।